हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 के बारे में, एनटीपीसी एग्ज़ाम पहले होगा या ग्रुप डी का एग्ज़ाम, और जो आपको बदलाव करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्या आपकी जो एग्ज़ाम डेट है ग्रुप डी की वो आ गई है। तो दोस्तों पूरी अपडेट मिलेगी यहाँ पे, जितने भी सवाल है यहाँ पे वो उनका पूरा डाउट मिलेगा है दोस्तों यहाँ पे। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों वो कटिंग देख लेते हो जो आपकी वायरल हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये कटिंग है न्यूज़पेपर की जो वायरल हो रही है, ग्रुप डी की परीक्षा 15 सितंबर के बाद। यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप डी की परीक्षा 15 सितंबर के बाद होगी, इसके लिए जल्द ही RRB की ओर से सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अभी RRB ग्रुप डी में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों का स्टेटस वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया। परीक्षा फॉर्म किन कारणों से निरस्त किया गया है इसकी सूचना भी दे दी गई है। परीक्षा अभ्यर्थी RRB वेबसाइट पर जाकर आवेदन निरस्त करने का कारण जान सकते हैं। इसके लिए 31 जुलाई का समय दिया गया है। ग्रुप डी में 1,05,000 से अधिक पदों पर भर्ती आवेदन लिया गया है, इसमें देशभर के 1,20,00,000 के आसपास परीक्षार्थियों ने आवेदन किया, यहाँ देख सकते हो दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आप अखबार पढ़ने में यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप डी की परीक्षा 15 सितंबर के बाद, यहाँ पे बाद लिखा है लेकिन ये नहीं बताया कितना बाद। तो दोस्तों आप यहाँ पे आपको यहाँ पे मौका ज़रूर दिया जाएगा, एक हमारी आपको एकदम उम्मीद है, एक पूरी उम्मीद है, क्योंकि 2018 में भी ऐसी छात्रों का जो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ पे रिजेक्ट दिखाया था, उसके बाद रेलवे ने उन्हें दोबारा मौका दिया था यहाँ पे। तो आपको भी यहाँ पे पूरा मौका मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे ये दिखाया है क्योंकि दोस्तों ये अखबार में इसलिए आया है क्योंकि आपको जो देख सकते हो नोटिफिकेशन में भी यही बताया कि आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर से अक्टूबर के बीच में होने वाला है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है, और लगभग आपसे पहले यहाँ पे NTPC का एग्ज़ाम होना है, लेकिन अभी NTPC का स्टेटस नहीं आया है दोस्तों। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि NTPC का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे पहले होना चाहिए ग्रुप डी से। और दोस्तों बात करते हैं ग्रुप डी का, आपका यहाँ पे जो डाउट है वो सॉल्व हो चुका होगा हमें उम्मीद करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई वहाँ पर जरूर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जो सबसे बड़ा यहाँ सवाल है छात्रों का, कई छात्रों का हमें मैसेज आ रहा है सर जो बदलाव करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ ग्रुप डी के जो रिजेक्ट फॉर्म हुए। तो दोस्तों आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं, अभी तक कई छात्रों ने यहाँ पे ग्रुप बना लिए हैं काफ़ी, व्हाट्सएप पे चाहे वो टेलीग्राम हो या फेसबुक पे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लगभग कई छात्र हैं जिनका यहाँ फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो लगभग 5 से 6 हज़ार छात्रों को तो हम यहाँ पर जानते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ अलग अलग जगह पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या यहाँ पर टेलीग्राम के ग्रुप हो। तो दोस्तों लगातार ट्वीट कर रहे हैं वहाँ पर, और दोस्तों देखते हैं जो आपका यहाँ पे निवारण है वो जल्दी निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि जो आपका यहाँ पे बदलाव करने का आपको यहाँ पे पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि कई छात्रों के यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर यहाँ पे बात 1-2 हज़ार की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बात कम से कम हज़ारों बच्चों का सवाल है यहाँ पर, और उनकी पूरी यहाँ पर जो इस बार का एग्ज़ाम है मेहनत तो पूरी बेकार चली जाएगी एक छोटे से गलती की वजह से। तो दोस्तों यही कुछ खास लेटेस्ट अपडेट है आप सबके लिए, और दोस्तों आप बिल्कुल निश्चित रहिए आपको यहाँ पर पूरा मौका मिलेगा हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे, और आपका जो NTPC का एग्ज़ाम है वही पहले होने वाला ग्रुप डी से। तो दोस्तों यही कुछ खास लेटेस्ट अपडेट है आप सबके लिए, हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।